بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما فجر كيما زيزي फ़जर की नमाज सारी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली नमाज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया मनसल एशा अफ़ी जमाअन फ़न्मा कासफ़िल्लईल व मनसल फ़जर अफ़ी जमा फ़न् नमा का जिस आदमी ने एशा की नमाज जमात से अदा कर लिया गोया कि वो आधी रात तक क़्याम किया और जिस आदमी ने फ़जर की नमाज़ भी जमात से अदा कर ली वो गोया के पूरी रात तक क़याम करता रहा सुबह अल्लाह यानी अगर एक बंदा ऐशा की नमाज़ जमात से और फ़जर की नमाज जमात से अदा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको पूरी रात क़याम करने का सवाब देता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सल्लल फ़जर फी जिम्मतिल्लाह जो फ़जर की नमाज़ अदा कर लेता है वो अल्लाह की गारंटी में आ जाता है यानी अगर हमने सुबह में फ़जर की नमाज़ अदा कर ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना बड़ी गार्ड हमारे पीछे लगा दिया अब हमारी हिफाजत होती रहती है लेकिन अगर हमने फ़जर की नमाज़ अदा नहीं की तो गोया के अल्लाह की गारंटी में हम नहीं रहेंगे इसीलिए ये बहुत बड़ा जाहिर है जो आज देखने को मिलता है कि बहुत सारे भाई सोए रह जाते हैं और फ़जर की नमाज़ अदा नहीं करते अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के सामने में एक आदमी के बारे में ज़िक्र किया गया कि फ़ला आदमी सोया यहाँ तक कि फ़जर की नमाज़ गोल कर दी सूरज तुलु हो गया तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राजुल बाल في उदनई वो ऐसा आदमी है जिसके दोनों कान में शैतान ने पेशाब कर दिया था तो क्या हम चाहेंगे कि इतने जो खैर हैं इतने सारे खैर से अपने आप को महरूम करें कतन नहीं इसीलिए हम अपने सामीन से हमारे भाई फ़याद भाई हैं और दूसरे जो हमारे सामीन सुन रहे हैं अर्ज़ करेंगे गुजारिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जैसे प्लानिंग करते हैं वैसे ही अल्लाह के हक़ के बारे में भी प्लानिंग करें अगर हमारी ड्यूटी तीन बजे होगी तो क्या हम तीन बजे जगते हैं या नहीं जगते हैं क्यों जगते हैं इसलिए कि हमने सीरियसली हमने संजीदा होकर के सोचा है कि हमें ड्यूटी करनी है तो दुनिया की ड्यूटी अहम है या अल्लाह की ड्यूटी अहम है अल्लाह की ड्यूटी अहम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया है व मा खलखलजन्न विनस आलियाबुदून हमने जिनों और इंसानों को महद इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें गोया कि इसी ड्यूटी की खातिर अल्लाह ताली ने हमें दुनिया में वजूद बख्शा है और इसी ड्यूटी को हम भुला देंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी और मौत तो हर इंसान को आनी है इसलिए हमारी बात का खुलासा ये हुआ कि हम जरा सोने से पहले करके सोएं के फ़जर की नमाज़ ज़रूर अदा करेंगे क्योंकि ये हमारी ड्यूटी से बढ़कर के ड्यूटी है दूसरे नंबर पर अलार्म घड़ी का इस्तेमाल कर लें तीसरे नंबर पर कम खाएं और अगर हो सकता है तो अपने किसी साथी को बेदार करने के लिए कह दें ज़रूर हमारी आँख खुलेगी अगर हम संजीदा होंगे तो फ़जर की नमाज़ की अदायगी बहुत आसान है